जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। आज हम अपनी दीदी के घर गए जिन्होंने माता रानी की पन्निया की थी। यह उत्तर प्रदेश में बहुत जगह मनाई जाती है, जो ये लोग करते हैं वो ज़रूर जानते होंगे। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपको कैसी लगी कचौड़ी और सब्जी? सब्सक्राइब एक बार हो गया मैडम। मैडम आप बता सकती हैं आपको उषा की बनाई हुई सब्जी पूरी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या आपने क्या डाला था सब्जी में? सब्जी में कुछ नहीं, बस सिंपल सा धनिया हल्दी और मिर्च। बहुत टेस्टी बनी थी। और कचौड़ी में कैसे क्या क्या था? प्रिपरेशन कैसे? कचौड़ी में थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी सूजी डाली थी। Yeah.
हाय एवरीवन, आज मैं आई हूँ अपने दीदी के यहाँ और दीदी ने किए हैं पिन्निया और हमारी बन रही है दाल की कचौड़ी, आलू की सब्जी मथुरा वाली, आलू का झोल और मथुरा वाली दाल की कचौड़ी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है।
सीता माई की जय। आप भी गाइए। फ्रेंड्स, इस तरह कण कण में व्याप्त महामाया के शक्ति ही सारे विश्व का संचालन करने वाली और संपूर्ण चराचर की स्वामिनी है। यह अनादि और अनंत है। नव दुर्गाओं या नवरात्रों में भगवती की उपासना अधिक फलदायक है। पंचभूत और तीन गुण महामाया और आठ भुजाएं महामाया के किसी भी अवतार की अथवा किसी भी रूप की आराधना दुष्टों को दंड देने वाली और तेज को बढ़ाने वाली है। हठ योग की भाषा में महामाया की नौ शक्तियों को मनुष्यों के नौ छिद्र माना जाता है। शिव पुराण में शिव जी के 10 अवतारों में उनके प्रत्येक अवतार महाशक्ति उनके साथ थी। महाशक्ति की एक अद्भुत महिमा यह है कि उनका प्रत्येक अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। तो इस तरह से माता की पन्नियां होती हैं, उनमें सुहागनों को बुलाकर उनका श्रृंगार करते हैं, महावर लगाते हैं, माता को लौंग और सामग्री के साथ हवन करते हैं और फिर उनको कुछ मीठा खिलाकर फिर खाना खिलाते हैं। नमक बाद में देते हैं, पहले कुछ मीठा खिलाते हैं। और कन्याएं जो कि माता का रूप हैं, सुहागिनें जो कि माता का रूप हैं, और जो हमारी बुज़ुर्ग महिला हैं वो भी हमारी माता का रूप हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं हमारी, वो माता नगरकोट का रूप हैं, नगरकोट वाली माता के रूप में हैं। आप ये जो देख रहे हैं वीडियो में बैठी हैं, ये देवी की तरह हमारी पूजनीय, हमारी बड़ी बहन, हमारी माता जैसी हैं। और बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत सौम्य हैं, बहुत स्वीट हैं। इनका नाम अर्चना है और ये बहुत प्यारी हैं, सबसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह माता की पिन्नियां करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग माता की पिन्नी कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती हैं और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, कीर्तन किया, भजन गाए, डांस किया सबने, और बहुत अच्छा लगा। एक तरह से गेट टुगेदर हो जाता है और माता का प्रसाद भी सब में मिल जाता है। और दीदी ने खाना इतना टेस्टी बनाया था कि सब ने तारीफ़ की और पूरा दिन कब चला गया पता ही नहीं चला। इस तरह से हमने माता रानी की पिन्नियाँ की थी। माँ भगवती हर जगह है और हम सबके अंदर है, सिर्फ पहचानना बाकी है। तो जय माता दी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। टिल देन, बाय बाय।